अनार के छिलके के कुछ खास उपाय से आप रुपयों को आकर्षित कर सकते हैं, लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। वशीकरण शब्द का प्रयोग नहीं करता हूँ मैं, आपकी आकर्षण शक्ति आप अवश्य बढ़ा सकते हैं। कल जो उपाय मैंने शेयर किया था, हनुमान जी महाराज का अति शक्तिशाली उपाय, कि परिवार का कोई भी सदस्य, परिवार के कोई भी सदस्य के लिए ये उपाय कर सकता है। एक माँ अपने बेटे के लिए उपाय कर सकती है, एक माँ अपनी बेटी के लिए उपाय कर सकती है। अगर घर से दूर है और परेशानी में है, विकट परिस्थितियों का सामना कर रही है, कल का वीडियो आपने नहीं देखा है तो नीचे डीपी बॉक्स में मैंने कल के वीडियो की लिंक रखी है, ये वीडियो को पूरा देखें। वीडियो देखने के बाद डीपी बॉक्स में जाए, लिंक ओपन करें, कल का वीडियो देखें। अति शक्तिशाली उपाय मैंने शेयर किया है और वो वीडियो में ही मैंने बताया था कि अनार के छिलके, क्योंकि वो उपाय में अनार लेना है आपको, तो वो छिलके को आप फेंके मत, कुछ उपाय करके आप अपनी आकर्षण शक्ति को बढ़ा सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। तो बहुत सारे भाई बहनों ने कमेंट की कि हमें वो उपाय चाहिए, बहुत सारे भाई बहनों ने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज दिए कि आप हमें लिंक भेजें। सॉरी, मैं मेरे वीडियो की लिंक शेयर नहीं कर सकता हूँ और करता भी नहीं हूँ। तो आज जो उपाय आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये उपाय से आपके चार्ट में, जन्म पत्री में तीन ग्रह ठीक नहीं है। ये तीन ग्रह ठीक नहीं होने की वजह से, या तो तीन में से कोई एक ठीक नहीं है, तो वो ग्रह को आप संतुलित कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, शुभता प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आपके ऊपर अवश्य बढ़ती है, आपकी आकर्षण शक्ति को आप बढ़ा सकते हैं। दोबारा बोलता हूँ, वशीकरण शब्द का प्रयोग नहीं करता हूँ। तीनों ग्रह है मंगल, बृहस्पति और चंद्र। छोटी अपेक्षा रखता हूँ, वीडियो को बिना स्किप करे देखेंगे, उपाय को ठीक से समझेंगे, कमेंट में आपको कुछ भी पूछना नहीं पड़ेगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, आप मेरा पहला वीडियो देख रहे हैं, पहले तो दिल से आपका स्वागत करता हूँ, वेलकम। ऐसी जानकारी में रुचि रखते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाली ऑल नोटिफिकेशन बेल दबाएं, छोटे से प्यारे से परिवार के साथ आप भी जुड़ जाए। वीडियो देखने के बाद छोटी रिक्वेस्ट, नम्र अर्ज, बिना भूले कमेंट बॉक्स में भगवान श्री राम का नाम, जय श्री राम से लिखिए। आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई परेशानी है, समस्या का समाधान चाहिए, आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट करें। इस नंबर पर आप मुझे मैसेज करें, छोटी मामूली फी पे करनी पड़ेगी, सभी जानकारी आपको मैसेज के माध्यम से मिल जाएगी। आप मैसेज करके रख दें, जय श्री राम लिखकर मैसेज दे दें, मुझे रिप्लाई अवश्य करूँगा। फालतू के कॉल, फालतू के मैसेज और एनी टाइम कॉल ना करें। जो भी समस्या है, समस्या का समाधान व्हाट्सएप के माध्यम से ही आपको मिल जाएगा। कुछ भाई बहन सीधा कॉल करके अपनी समस्या बता देते हैं, तो वैसे मैं फ़ोन पर बात करके आपकी समस्या का समाधान नहीं दे सकता हूँ। कुछ भाई बहन फी पे करते हैं और तुरंत का तुरंत समाधान मांगते हैं, तो प्लीज़ एक दिन वेट करें, क्योंकि मैं ऐसे आपकी समस्या का समाधान नहीं दे सकता हूँ। आपके ग्रहों की पोजीशन देखनी पड़ती है मुझे, बाद में वो ग्रहों के कुछ उपाय आपको देता हूँ। नंबर नोट कर लो, 8732985130। आप मैसेज करके रख दें। फालतू के कॉल, दोबारा बोलता हूँ, फालतू के मैसेज और एनी टाइम प्लीज़ ना करें। दोस्तों, बाजार में से 4-5 अनार ले आए,
सभी जगह आराम से मिल जाएगा आपको। और ना तीन ग्रह बैलेंस होंगे दोस्तों आपके, मंगल बृहस्पति और चंद्र, आकर्षण शक्ति बढ़ेगी, रुपयों को आप अवश्य आकर्षित कर सकेंगे। काम चाहे कोई भी करते हैं, आप बिजनेसमैन हैं, नौकरी करते हैं, छोटी मोटी दुकान चलाते हैं, लोगों को अपनी ओर आप आकर्षित कर सकेंगे। पांच छह अनार के फल लाए, जितनी आपकी सामर्थ्य के हिसाब से चार फल ले, पांच फल ले, कोई भी दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। अनार के छिलके निकाल दें, जो दाने निकलते हैं दाने परिवार के में बच्चे हैं बच्चे को दे दे, आप भी खा सकते हैं, दाने का कुछ उपाय में काम नहीं है, बच्चे को खिला दे आप भी खा सकते हैं। छिलके को छांव में घर के अंदर कोई बड़े बर्तन में थाली में डिश में रख दे, तीन चार दिन छांव में सूखने दे, धूप में ना रखें छिलके को। आपको ऐसा लगे कि नहीं छिलके सूख गए हैं, अब वो छिलके का पाउडर कर लें, जितना पाउडर तैयार होता है उतनी उसमें हल्दी का पाउडर डालें, हल्दी पाउडर समझो दो चम्मच पाउडर तैयार हुआ अनार के छिलके का, तो दो चम्मच उसमें हल्दी पाउडर डालें। हल्दी पाउडर बृहस्पति से संबंध है, अनार के छिलके मंगल है, दोनों पाउडर को अच्छी तरह से मिलाकर कोई भी बर्तन में डिब्बी में भरकर आप रख दें। हर दिन सुबह स्नान करने के बाद एक चुटकी जितना पाउडर निकालें, कोई भी चम्मच में कोई भी छोटे पात्र में, दो तीन दिन बूंद दूध की उसमें डालें। दूध कोई भी चलेगा, गाय का भैंस का पैकिंग वाला ठंडा गर्म कोई भी चलेगा, थोड़ा दूध डालें, पेस्ट बना लें, इसे माचिस की तीली के ऊपर रुई लपेट कर उस पेस्ट में आप अच्छी तरह से हिलाए। यहाँ आज्ञा चक्र के ऊपर तिलक करें, एक तिलक यहाँ कंठ पे करें गले पे, बस जब भी रुपये कमाने के लिए आप घर से बाहर निकले तब ये तिलक करके निकले, दो जगह पे तिलक करना है, कंठ पे यहाँ आज्ञा चक्र के पे। छोटा तिलक करेंगे आप किसी को दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो तिलक करेंगे तो आपकी त्वचा जैसा ही कलर हो जाएगा, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा कि आपने तिलक किया है, आपकी त्वचा जैसा कलर हो जाएगा। थोड़े दिन उपाय करके देखें दोस्तों, ये आप कैसे रुपयों को आकर्षित कर सकते हैं, कैसे लोगों को आकर्षित कर सकते हैं, कैसे लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, रिजल्ट अवश्य मिलेगा, लाभ अवश्य होगा। पूरे भरोसे के साथ विश्वास के साथ आप ये उपाय करें। बस दोस्तों, कल का वीडियो नहीं देखा है आपने, नीचे डीपी बॉक्स में जाए लिंक ओपन करें, कल का वीडियो देखें, कल के उपाय को ठीक से समझे। बहुत सारे भाई बहन कंफ्यूज थे, हमें अनेक कमेंट आई थी, तो कल के वीडियो को ठीक से देख लें, क्योंकि कमेंट में मैं लंबे उत्तर नहीं दे सकता हूँ। वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहे, दिल से थैंक यू, खुश रहे, प्रसन्न रहे, भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूरी करें। सर्वदा सर्वत्र महादेवाय नमः। धन्यवाद। वंदे मातरम।